अस्सलाम वालेकुम, साकिब मेहंदी अली प्रोडक्शन में आपका इस्तकबाल है। दीन के दुनिया के किसी भी इल्म के वैल्यूबल इल्म और बातें, ये मेरा मकसद है। इल्म नाफे जदीद अदीब। मेरे आज के टॉपिक में फिलोसोफर हैप्पीनेस, खुश रहने के बुनियादी उसूलों में से मैं आपके लिए बेहतरीन बात लाया। मैं चाहता हूँ अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी अच्छी तब्दीलियाँ पैदा होंगी। जी, अब वो तब्दीलियाँ आपके लिए बहुत सी बड़ी बातें होती हैं, तो मैं हर टॉपिक में कम से कम 3 या 5 बातें बताता हूँ। मैं उसके पॉइंट्स इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको बात सहनशील रहे आसानी से और आप उसको वैसा करने वाले। रोज़ाना की ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे लम्हात आते हैं जिसमें आप पॉजिटिव लोगों से मिलते हो या नेगेटिव लोगों से मिलते हो, या ऐसे बातें होती हैं कि जो आपके हक में फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव एक्टिविटीज़ एंड नेगेटिव एक्टिविटीज़। तो उनमें से आपको एडिट करना है नेगेटिव काम को और इंक्रेज करना है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को। जी, तो मेरा आज का टॉपिक ये कि इंक्रेज योर पॉजिटिव एक्टिविटीज़, आपके मुस्बित ख्याल की ज़िंदगी को बढ़ाइए। जो इंसान मुस्बित तर्ज फिक्र, मुस्बित कहते हैं अच्छे कामों, अच्छे काम के तरीकों पे चलता है, वो कामयाब ज़्यादा होता है बनिस्बत उसके जो बुराई में मुलव्विस है। अब मैं यहाँ से उठा, सुबह फजर पड़ा, थोड़ा घूमा, अब मेरी नींद पूरी करना है, नींद पूरी कर लिया, फिर जुहर की नमाज़ पढ़ा, कुरान की तिलावत किया, फिर थोड़ा टहला, इसके उसके मसले सुना, बात कर लिया, फिर असर की नमाज़ पढ़ा। तो मैं इस तरीके से अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन कोई आप में मुझ में से जो सुन रहे हैं ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करके आते हैं, लेकिन बस स्टैंड पे या फिर स्कूलों पे या किसी गलत जगह पे पाउस कर, क्यों अगर नहीं, अगरचे कोई काम करते हैं ऐसा, लेकिन उसके बाद अपनी बीवी के साथ में खुश नहीं है, अपनी खूबसूरत बीवी है, खूबसूरत बेटा है, या फिर घर पे अच्छा सलूक है, इसके बावजूद वो इंसान वहाँ से निकल के रोज़ाना की ज़िंदगी में गलत एक्टिविटीज़ में उबतला होता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, उसके बाद में अपने पैसे किसी गलत काम में लुटाता है, कमाता हलाल है लेकिन गलत काम का शौक है, गलत खेल का उसमें लुटाता है, तो उससे उसकी ज़िंदगी ख़राब होती है। ये पॉजिटिव निगेटिव एक्टिविटी उसकी ज़िंदगी के उस मुस्बित काम को जहाँ पे उसको प्रोग्रेस करना है, समाज में सोशल में एक थेम बनाना है, उसको डिक्रेस करती है और एक वक्त आता है जब वो खुदकुशी करने पर आमादा होता है। जी, ये उसकी लाइफ का सबसे अचीवमेंट बोलो ये होता है कि अब वो धीरे धीरे उन कामों को छोड़ दे, उन कामों को डिक्रेस करे और इंक्रेस करे वो अल्लाह के दिए हुए उन पॉजिटिव कामों को और मजबूत तर्ज ख्याल को। अगर मैं ये कहूँ कि कई गैर मुस्लिम्स और कई स्कॉलर्स ने, मुस्लिम स्कॉलर ने इस बात के बारे में कहा कि मुस्बित काम ज़्यादा करने के फ़ायदे क्या है और नेगेटिव काम छोड़ने के फ़ायदे क्या है, इसके बहुत सी इसके ऊपर डिस्कस हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कामयाबी हो तो बेजा सोच से अपने दिल को निकाल दो, ये फालतू बातें, फालतू काम वो छोड़ के अच्छे कामों में लगो, और यही हकीकत है। जी, मैं इसी पॉइंट पे बस और एक मिनट आपके बात बोलना चाह रहा हूँ जो बहुत तवज्जे देने की है, ज़रा गौर से सुनिएगा कि इसके पीछे क्या हिकमत है। अब एक शख्स है जो पॉजिटिव काम करता है, एक नेगेटिव काम करता है, आपने देखना समाज में दोनों की इमेज एक जैसी नहीं है, अगर कोई नेगेटिव आपका नहीं आया मिलने को आप उसको मिलना पसंद नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, यार ये तो बहुत निकम्मा इंसान है, गलत काम करता है, इसके साथ रहेंगे तो तेरी भी वैसी हो जाएगी। तो गलत इंसान के साथ में रहने से कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं, तो आप पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और पॉजिटिव ज़िंदगी को बनाने वाले बनिए। जी, तो इसी से आपकी एक खुश ज़िंदगी बने। कुरान में एक लफ्ज़ है बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मुख्तसर से 3 सेंटेंस में अल्लाह ने इस पॉजिटिव ज़िंदगी को कैसा कायम करेंगे और नेगेटिविटी को कैसे ख़त्म करेंगे बता दिया। वल असर इन अल इंसान लफी इल्लज़ीना आमिनु व आमिलुस सालिहात, कि ज़माने की कसम, वक्त और टाइम की कसम, पीरियड की कसम अल्लाह ने खाया और कहा कि दरअसल सारे इंसान घसारे में है, डोटे में है, डिक्रेस हो रहे हैं, लॉस्ट हो रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के अलावा कि जो ईमान लाए, नेक काम किए, नेक
मीन्स पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव वर्क्स करे किसी भी काम में, तो वो जिंदा दिल है। फ्रूट फरोश आया, आपकी जेब में पैसे नहीं है, 10 लोग लेने वाले थे, आपने पहली भड़का दिया उनको, इसके सेब में कीड़े हैं, अच्छे नहीं दिख रहे, हरे दिख रहे हो, तो तुमको काय को बोलने की जरूरत है दूसरों को? अरे भाई जीने तो दूसरे लोगों को जो पॉजिटिव जी रहे, बहुत अच्छी सही है उसके। आपके पास में नहीं है तो आप समाज को और माशरे को जीने में जीने देंगे? ऐसा नहीं है, मेरी जेब में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कल ले लूँगा, मैं पेमेंट नहीं है आपको दे सकते, अच्छे किसी को डिक्रेज मत करो। आपको नॉलेज ज़्यादा बोलने का आप वीडियो बना सकते, लेकिन आपको कोई डिक्रेज कर रहा है क्या? वीडियो बना रहा रे क्या लगाया हो, जायज़ है कि इस्लाम में हो उसको बोलना क्या? बड़े बड़े मुफ्तियों की वीडियो चैनल है, मुफ्ती अब्दुल वहाब का चैनल है, बैतुल मक़दिस और पूरा हिंदुस्तान घुमाते उसकी मालूम देते हैं। अगर उलमाओं के नज़दीक जायज़ नहीं होता तो बना नहीं देते थे, सिर्फ वीडियोस नॉलेज के, फिल्में नहीं, 3-3 घंटे की, उसमें उरियाने इतनी बताते। कोई चीज़ भी अपने आप में नुकसानदेह या फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल पॉजिटिव यानी अच्छा करना ही उसका फ़ायदा है। इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सेस इन अ लाइफ, देन एवरीवेयर एवरी सेकेंड एंड यू थिंक्स अ पॉजिटिव। बंदे का गुमान जैसा अल्लाह के साथ होगा वैसे फैसले होंगे। मैंने इससे पहले भी कहा था कि आप जितना अच्छा सोचेंगे वैसा अल्लाह आपके साथ करेगा, और मैंने देखा हूँ। मैंने बचपन से जब मैं बड़ा हुआ ना, मैंने सर्विस चले गई उसका अफसोस नहीं किया, लेकिन किसी को अगर मैंने ये कहा कि भाई मेरे को गरीब नहीं रहना, मेरे अंदर काबिल थी, मैं टीचर था, मैं काबिलियत थी मेरे अंदर, मैं टीचर था, मैंने क्या बोलते पढ़ा लिखा, पेपर में काम किया, मैं चाहता नहीं गरीब रहना, लेकिन लोग मुझे गरीब रखना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा करा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान घुमाया। जब मैं नहीं चाहता तो मैं अमीर ज़रूर बनूंगा। वो बनने की तमन्ना और वो सीधा रास्ता, क्या आपके अंदर काबिलियतें हैं, उसको पॉजिटिव मोड़ दो। कोई वक्त बर्बाद करने वालों के साथ मत रहो, जब देखो कि वक्त बर्बाद करने वालों के साथ हो तो पॉजिटिव काम करने उसको बढ़ाने के लिए आगे बढ़ जाओ। कुछ वक्त के लिए रुके और रुक जाओ, लेकिन बढ़ जाओ, बिंदास बढ़ जाओ, वो आपकी तरक्की है। आज का इंसान तरक्की सिर्फ ये समझता है कि अगर वो कत्ल और खून करके भी कमाए तो सही है, कत्ल और खून करके कमाने से उसको रोजी तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके दिल में और दिमाग में हमेशा एक बात चलेगी, उसको डर रहेगा कि उसने गलत किया है, हेसिटेशन रहेगा। और सही करके, पॉजिटिव करके, हलाल करके, हलाल कमाना भी पॉजिटिव है, हलाल कमाई करके कमाएगा तो वो दुनिया में और आखिरत में भी अल्लाह के नज़दीक बहुत मुकर्रम होगा और लोगों की नज़र में भी उसको खुश होगा। अब देखो, आप कभी किसी कोई चीज़ बेचने जाते हैं, भंगार का कारोबार करते हैं, या कोई जाते हैं रोड पर कहीं घूम फिर के आते हैं और कमा के आते हैं कुछ रुपये 400-500 जो अपने घर पर आते, बीवी को देते और खिलाते माँ बाप को और खुद भी खाते, तो आपको कितनी खुशी होती कि आप हलाल कमा के आ रहे सारे। लेकिन वही बात को बदल दो, दिन भर आप कत्ल खून करके आ रहे तो रात में ना आपको बीवी है, ना बच्चे हैं, ना सुनने वाला है। हाँ, बड़े बड़े फ्लैट ज़रूर होंगे, चीज़ें ज़रूर होंगी, लेकिन ना दोस्त है, ना आपको कोई अच्छा कहने वाला है। टू मेक यूर लाइफ टू पॉजिटिव एक्टिविटीज इन यूर लाइफ एंड डिक्रेज नेगेटिव लाइफ। मेरा आज का जो फिलोसफर हैप्पीनेस का जो मेन बात है, उसका एक ही बात है कि इंक्रीज योर पॉजिटिव एक्टिविटीज एंड डिक्रीज योर नेगेटिव एक्टिविटीज, नेगेटिव थिंकिंग। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में मेहदी अली।